अच्छा बनो, दूसरों की इज्जत करो, सज्जन बनो, साधारण रहो, सबके प्रति प्रेम की भावना रखो, सबकी मदद करो, सबके काम आओ, परोपकारी बनो, दयालु बनो, मददगार बनो, एक शब्द में कहें तो बस अच्छे बनो। ये वो बातें हैं जो अक्सर हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े हमेशा से हमें कहते आए हैं, सिखाते आए हैं। उन्होंने हमेशा से हमें बस यही सिखाया है कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति अच्छाई अपने मन में रखनी चाहिए। इवन हमने बहुत से कहानियों में भी एक मोरल सीखा है कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन ये सब बकवास है, बहुत बड़ा झूठ है, भ्रम है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वो हमेशा मुंह के बल गिरता है। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार या सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति सबसे पहले काटे जाते हैं। अच्छे बनो, सच्चे बनो, ये सब महज फैमिली बातें हैं जो सुनने और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी हीरोइक फीलिंग आती है। लेकिन सच तो ये है कि प्रैक्टिकली इसका प्रभाव हमेशा उल्टा ही आता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के इस वहम को दूर करने वाला हूँ। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि बस इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देख लेना, वरना शायद तुम इसका गलत मतलब निकाल लोगे, जिससे जो तुम्हें फायदा मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिलेगा। वीडियो की एक एक बात में गहरी सच्चाई और कड़वाहट है, लेकिन अगर तुमने इसे सुन लिया, जान लिया, मान लिया और समझ लिया, तो मेरे दोस्त जीवन में शायद कभी भी रोने के दिन नहीं आएंगे। जिंदगी में कभी ये नहीं बोलोगे कि काश मैं उसकी मदद नहीं करता, उसने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मेरी जिंदगी से नफरत है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें बुरा बनने की नसीहत देने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही बोली होगी। दोस्तों, जीवन को खुशी और आनंदमय तरीके से जीने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। अपने आप को प्रोटेक्टेड और खुश रखने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। अपने परिवार को खुश रखने के लिए तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। तुम्हें बुरा तो जरूर बनना है, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम्हें भगवान की नजरों में नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा। शायद तुम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भगवान की नजरों में बुरे बनने और इंसान की नजरों में बुरे बनने में फर्क ही क्या है। बुरा तो बुरा ही होता है, गलत तो गलत ही होता है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिस वजह से शायद आज तुम खुश नहीं हो। फर्क तो है, बिल्कुल है, और ये फर्क किस तरह से है बस दो मिनट में समझ जाओगे। फर्क कुछ इस तरह है कि अगर तुम अपने काम से फ्री होकर लोगों से बात करोगे तब तुम दुनिया के लिए एक घमंडी हो, एक बुरे व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम वहीं अपने काम को लात मारकर दूसरों के लिए टाइम निकालोगे तब दुनिया तुम्हें अच्छा बोलेगी। अगर तुम हर वक्त दुनिया के लिए अवेलेबल रहोगे तब तुम दुनिया की नजरों में अच्छे रहोगे। लेकिन वहीं अगर तुम जरा सा वक्त अपने फ्यूचर, करियर या पर्सनल चीजों को दे दो तब तुम दुनिया के नजरों में बुरे बन जाओगे। अगर तुम शो ऑफ करोगे तब तुम दुनिया की नजरों में अहंकारी रहोगे, और अगर तुम सिंपल साधारण रहोगे तब तुम दुनिया की नजरों में एक गरीब, हेल्पलेस नजर आओगे। कहने का मतलब है, तुम अगर दुनिया के काम आ गए मीन्स तुम अच्छे हो, तुमने दूसरों की लगातार मदद की देन यू आर ग्रेट। तुमने अगर लोगों के तलवे चाटने शुरू कर दिए तो तुम अच्छा कहलाओगे। अगर कुछ बड़ा करने का मन हो, जैसे कोई फिल्म स्टार बनने का मन हो, यूट्यूब पर काम करने का मन हो, स्पोर्ट्स खेलने का मन हो, या कोई ऐसा ड्रीम हो जिसे पाने की दूसरे लोगों की औकात नहीं है, और अगर तुम अपने ड्रीम के लिए मेहनत करो और उसे पाने की कोशिश करो, इस जलनखोर दुनिया से कहीं गुना बेहतर बनने की कोशिश करो और बन भी जाओ, तब दुनिया की नजरों में तुम बुरे बन जाओगे। आप देखना अपने आस पड़ोस के लोगों को जिन्हें तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने काम में बिजी रहने की वजह से उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे कुछ काम करने की बोल रहे हैं और आप मना कर रहे हो क्योंकि आपके पास उतना वक्त ही नहीं है कि आप अपना काम बिगाड़ कर उनका काम कर पाओ, तो देखना वो लोग आपको बुरा बोलने लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप चुप रहना और अपने आप से कहना कि हाँ मैं बुरा हूँ। अगर मुझे मेरे सपनों से कोई भटकाएगा तो उसके लिए मैं बुरा हूँ। अगर कोई मेरा इस्तेमाल करना चाहेगा तो मैं उसके लिए बुरा हूँ। अगर कोई मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करेगा तो हाँ मैं उसके लिए बुरा हूँ। कोई अगर मुझसे जलेगा या मेरे बढ़ते कदम रोकने की कोशिश करेगा तो हाँ मैं उसके लिए बुरा हूँ। अगर बात मेरे परिवार की आ जाए, भविष्य की आ जाए, मेरे लक्ष्य की आ जाए, इनफैक्ट मेरे खुद की आ जाए तो हाँ मैं बुरा हूँ। देखो दोस्त, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बुरा बनना पड़े तो बनो। सुकून से जिंदगी जीने के लिए अगर बुरा बनना पड़े तो बेशक बनो। अगर अपने आप को आबाद करना चाहते हो तो बर्बाद होने से बचने के लिए अगर बुरा बनना पड़े तो बनो। ये बात तो तुम भी बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि जो दुनिया को खुश करने जाता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। दुनिया गई भाड़ में, अगर आज तुम खुश नहीं होना और अगर तुम सफल नहीं हुए ना तो कल यही दुनिया तुम्हारे जले पर नमक लगाएगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि क्यों, आखिर क्यों मैं इनके लिए अच्छा था। क्योंकि ज्यादा अच्छा इंसान आखिर में रोता बिलखता हुआ ही मिलता है। बुरा बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के साथ गलत करो, कोई पाप करो, धोखा करो,
फरेब करो या किसी का अपमान करो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो बेशक करो, लेकिन अपना काम बिगाड़ कर। अगर आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हो तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। बस यही फर्क है भगवान की नजरों में बुरा बनने का और इंसान की नजरों में बुरा बनने का। बुरा बनना है लेकिन नजरों में, हकीकत में नहीं। लक्ष्य को पाने के रास्तों में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और उस समय तुम्हें पक्के तौर पर बुरा तो बनना ही पड़ेगा, वरना यह दुनिया तुम्हारा हाल प्योर फेंको वाले डिस्पोजल ग्लास की तरह कर देगी। पहले इस्तेमाल करेगी और फिर लात के नीचे कुचल कर साइड कर देगी। इसलिए बुरे बनो, तभी सफल बनोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।